हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी लगभग 1 बज रहा है तो बाहर ही बैठे हैं। एकदम अच्छा नहीं लग रहा कुछ। सालू जी अंदर हैं, हमसे गुस्साए हुए हैं और क्या ही बताया जाए। वो अपने जिद पे अड़ी हैं, हम अपने जिद पे अड़े हैं। हम तो यही चाहते कि हम नहीं जाने देंगे उनको अपनी मम्मी को देखने के लिए। तबीयत शायद सुबह में काफ़ी ख़राब हो गया था, घर से फ़ोन आया था उनके, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तबीयत। तो फिर एक बार सोचे कि चलिए जाते हैं दिखाने के लिए। फिर एक बार मन कर रहा कि नहीं जाएं, क्योंकि पता नहीं क्यों जब इच्छा नहीं दिल से कर रहा तो यही सोच के हम नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी सालू जी अंदर हैं, लेटी हैं, अभी सुबह से कह रहे हैं नहा धो लीजिए, गुस्साई हैं, कह रहे हैं कि हमको लेकर चलिए मेरे मम्मी के पास। और बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, तो सब लोग हम ही को बोल रहे हैं कि तुम निर्दयी हो गए हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं हो, बहुत प्यारे हो। बहुत सारा कमेंट आ रहा है, हमको ही लोग बोल रहे हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ रहता है एक रीज़न होता है, वही चीज़ है, रीज़न है इसकी वजह से नहीं जा रहे हैं ना, नहीं तो चले जाते, उसमें जाने वाली क्या बात थी। और अभी अभी शायद ठीक हैं, अभी सालू जी बात उत की हैं, अभी ठीक हैं। और चलिए भगवान से प्रार्थना अच्छे से रहें। और ये तो सही है, माँ तो माँ होती हैं, हम जान रहे हैं ना, उन ना अपने माँ को छोड़ेंगे ना उनके माँ को छोड़ेंगे। और अभी हम बस यही सोचे हैं कि जब तक हम कुछ बन नहीं जाएंगे तब तक नहीं किसी को अपनाएंगे, यही चीज़ अभी हम भी ठाने हुए हैं। और देखिए, मान लीजिए अगर अभी से जाने लगेंगे घर द्वार तो हम कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़, बहुत सारी चीज़ें सोच के हम जो है घर नहीं जा रहे हैं, ना उनके घर जा रहे हैं ना अपने घर जा रहे हैं। और वैसे एक दो बार मिले हैं, एक बार गए थे अपने मम्मी को देखने के लिए, तो घर पे नहीं गए थे, वहीं रास्ते में ही मिल लिए थे और वहाँ से चावल वावल लेकर आए थे। तो वैसे ही आते आते इनकी मम्मी से भी मुलाकात हुई थी। और हम तो जाते नहीं हैं, सारू जी बोलते उलते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हमारे मन में दिल में वही चीज़ है जो पहले ताना मेहना, जो गाली गलौज था वही चलता है इसकी वजह से, और हमारा दिल टूट जा रहा है। और हम इतना निर्दयी नहीं है, किसी को फालतू में नहीं परेशान करते हैं। जब वही नहीं है, जब नसीब समय खराब रहता है तो कोई भी बोल देता है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आज काम भी नहीं हो पाएगा, वीडियो कैसे शूट होगा। इनकी मम्मी तबीयत ही ख़राब था तो सालू जी को कह रहे हैं वीडियो वीडियो शूट कर लीजिए, लेटी हैं घर में, ना शॉर्ट वीडियो बन पाए ना लॉन्ग। तो यही सारी चीज़ें हैं, और धूप इतना तेज़ है क्या ही बताए, कहीं जाने का इच्छा भी नहीं कर रहा है। बाबू भी परेशान है, बहुत रो रहा, पता नहीं उसको भी क्या हो गया है। और दोस्तों, और एक रीज़न है कि हम नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, बाइक है, मान लीजिए पहले हम दो लोग रहते थे तो चले जाते थे, और अब बाबू भी हो गया है कि बाबू को बाइक से ले जाने में अच्छा नहीं लगता, मान लीजिए भी रास्ते में कुछ हो जाए तो। यही सारी चीज़ सोच के नहीं और जाने का मन करता है। पहले तो देखिए घर पे जाते भी थे बीच बीच में, लेकिन अब तो जाते भी नहीं है। हमारे घर वाले भी बुला रहे हैं, मम्मी मम्मी भैया फ़ोन किए थे कि गेहूँ लाना है, तो अब जाएंगे जाएंगे, समय में निकाल के जाएंगे। समय नहीं मिल पाता ना, कॉमेडी वीडियो में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि 2 3 4 साल तक बहुत ज़्यादा ऐश कर लिए हैं। और देखिए 4 5 साल हो गया कुछ अभी तक, जान लीजिए बस ज़मीन भी ज़मीन लिए हैं, और अभी ज़मीन का कर्जा भी सही से नहीं कटा है, अभी काफ़ी रुपए है, ढेर रुपए, लगभग 5.5 लाख रुपए ज़मीन का देना है। इसीलिए और इस समय मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से ज़मीन का कर्जा उर्जा कट जाए, फिर उसके बाद घर द्वार बनाएं। ऐसे ही एक रूम बनवा लिए हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम। मान लीजिए हम ही जानेंगे ना उस दिक्कत को, मेरारू का मेरारू, बस आज सोचिन भियान सोचबे न करिए, तो हमका आज के सोचे बा, आगे के सोचे बा, अब एक लड़के हुई वो बारे में सोचे बा, यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, आप लोग तो अच्छी, आप लोग जो आप लोग को समझ में आता वही कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं कि आप लोग हमको गलत बोले हैं, हमको बुरा लगा। देखिए, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो शायद बुरा भी है, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं, और आप लोग जान जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो आप ही लोग हमें समझाते हैं और
कोई भी चीज़ आगे करनी रहती है तो बताते हैं चीज़ करना चाहिए आगे सोच समझ के कोई भी चीज़। तो बहुत सारे दिक्कतें हैं इसीलिए नहीं जा रहे हैं, और शायद और हम नहीं जा पाए थे ना, सालू जी को भेज पाए थे तो प्रिया भाभी को और सुशील भाई को भेजे थे, शायद एक दो दिन थे उनके घर भी, भेजे नहीं थे सिर्फ बताए थे कि उनकी मम्मी तबीयत ख़राब है ना, तो उसके बाद गए थे। तो यही सारे दिक्कत। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय। कोई आ गया है सब्सक्राइबर बहुत दूर से, और चलिए उनको लावा वो पानी नहीं देता, बहुत दूर से आई हैं, बिहार से आ गई हैं, बात नहीं की हैं फिर भी। तो यही देखिए टेंशन में टेंशन पड़ जाता है ना, और इस समय लगभग 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, वही कोई जान नहीं पाता है क्या टेंशन है क्या नहीं टेंशन है, और नहीं सोचते हैं किसी को बताया जाए तकलीफ। हाँ लेकिन इतना जानते हैं जब खुद पे आती है टेंशन तब दुख होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं ठीक है, और इतना भी हम समझ नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।